हेलो गाइज, मेरा नाम विजय है। तो गाइज, ये है मेरे पास में एचपी का पवेलियन 15 गेमिंग लैपटॉप, जो कि एक मिड रेंज गेमिंग लैपटॉप है एचपी का, और आता है एक बहुत ही डिसेंट परफॉर्मेंस के साथ में अपने प्राइस के हिसाब से। यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छी ग्राफिकल परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाती है। तो आप पहले इस लैपटॉप को गेमिंग के लिए परचेस करें या फिर परचेस करें इससे किसी भी ग्राफिकल परफॉर्मेंस जहाँ पे आपको नीड होती है, लाइक वीडियो एडिटिंग के लिए, तो ये लैपटॉप बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर देगा। और अपने प्राइस रेंज के हिसाब से यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस और बहुत ही अच्छी ग्राफिकल परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करा देगा। तो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा इस लैपटॉप का फुल रिव्यू और इस लैपटॉप के बारे में मेरे पर्सनल ओपिनियंस। So having said that, let's get started. तो गाइस, सबसे पहले बात करें इस लैपटॉप की डिजाइन की, तो ये शायद मेरी सबसे फेवरेट डिजाइन है किसी भी गेमिंग लैपटॉप में, बिकॉज यहाँ पे आपको एक बहुत ही क्लीन लुकिंग डिजाइन देखने के लिए मिल जाती है, जहाँ पे आपको पूरे तरफ ब्लैक ही ब्लैक नजर आता है। और यहाँ पे लोगो जो एचपी का है वो या फिर आप व्हाइट, ग्रीन और पर्पल कलर में चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लीन है डिजाइन बहुत ही ज्यादा, और बहुत ही ज्यादा बोल्ड लगता है लैपटॉप। इवन अगर वेट की बात करें और ओवरऑल फील की बात करें, तो एज कम्पेयर टू अदर गेमिंग लैपटॉप्स, यहाँ पे इसका वेट है 2.3 किलोग्राम, जो कि बहुत ही डिसेंट वेट है किसी 15.6 इंच के गेमिंग लैपटॉप के लिए, जहाँ पे आपको इतनी भारी भारी इंटरनल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। और यहाँ पे इवन अगर बात करते हैं पोर्ट्स की, तो यहाँ पे ये डिवाइस एकदम कम्प्लीट पैकेज के साथ में आता है, जहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं ऑलमोस्ट सारे पोर्ट, जैसे कि HDMI पोर्ट, गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट। यहाँ पे आपको 3 USB टाइप ए पोर्ट देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि तीनों सपोर्ट करते हैं USB 3.0 को। यहाँ पे आपको एक USB सी पोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आता है विदाउट थंडरबोल्ट सपोर्ट के। तो यहाँ पे अगर थंडरबोल्ट सपोर्ट भी होता है इस USB टाइप सी पोर्ट में, तो क्या बात होती। तो आपको अगर थंडरबोल्ट 3 चाहिए USB टाइप सी पोर्ट के साथ में, तो आपको HP की ओमेन सीरीज भी जाना पड़ेगा, जो कि थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी। और अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं एक नॉर्मल USB टाइप सी पोर्ट में, तो आपके लिए ये लैपटॉप बिल्कुल ही ज्यादा परफेक्ट। पवेलियन 15 गेमिंग लैपटॉप में आपको वैसे तो बहुत ही सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं आपकी नीड के हिसाब से, जैसे कि रैम ऑप्शंस, स्टोरेज ऑप्शंस, प्रोसेसर आप कौन सा चूज करना चाहते हैं। तो अपग्रेडेबिलिटी की अगर बात करें, तो इस लैपटॉप में आपको एक हार्ड ड्राइव और एक NVMe SSD का स्लॉट देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे मिल जाते हैं डुअल रैम स्लॉट, जिसके अंदर की आप 16 GB करके 32 GB तक मैक्सिमम रैम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है गेमिंग लैपटॉप के लिए। तो गाइस, जो वर्जन यहाँ पे मेरे पास में वो आता है इंटेल के कोर i7 9th जनरेशन प्रोसेसर के साथ में, जो कि एक्चुअली है इंटेल का कोर i7 9750H प्रोसेसर, जो कि एक बहुत ही कैपेबल प्रोसेसर है। और यहाँ पे मिल जाता है एक बहुत ही डिसेंट ग्राफिक कार्ड, जो कि एनवीडिया का GeForce GTX 1660 Ti ग्राफिक कार्ड, जो कि एक बहुत ही डिसेंट ग्राफिकल परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करा देगा एक मिड रेंज लैपटॉप के हिसाब से। तो आप इस लैपटॉप में करें अपनी वीडियो एडिटिंग या फिर इस लैपटॉप में खेले अपने हैवी गेम्स, यहाँ पे आपको कोई भी फ्रेम ड्रॉप देखने के लिए नहीं मिलने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको एक बहुत ही डिसेंट परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाती है विद द बेस्ट इन क्लास प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड। और यहाँ पे इवन 16 GB की रैम भी इंस्टॉल्ड है मेरे वाले वर्जन में, जो कि आप अपने वर्जन में भी इंस्टॉल कर सकते हैं अप टू 32 GB। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, जो कि इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस को बहुत ही अच्छा बनाए। तो गाइस, जैसे कि इस लैपटॉप में एक बहुत ही हाई परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर लगा हुआ है, यहाँ पे आपको 4 GB का ग्राफिक कार्ड भी देखने के लिए मिल जाता है। ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है इस लैपटॉप की बैटरी के साथ में। तो यहाँ पे इस लैपटॉप की बैटरी टेस्टिंग में मुझे मिली अराउंड 4 आवर्स की बैटरी लाइफ विद कंटिन्यूस वेब ब्राउजिंग। तो यहाँ पे बेसिक यूज में भी ये लैपटॉप 4 से 5 घंटे की ही बैटरी लाइफ आपको प्रोवाइड कराएगा। तो ज्यादा अच्छी बैटरी लाइफ गेमिंग में आप यहाँ पे इससे एक्सपेक्ट मत करिएगा, जो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अराउंड 2 से 3 घंटे ही चलेगी गेमिंग में, बिकॉज यहाँ पे आपका प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड एकदम एक्टिव होगा अपनी फुल परफॉर्मेंस के साथ में। लेकिन एचपी ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के इंटेग्रेशन के साथ में बैटरी लाइफ मैनेज करी है, बिकॉज लैपटॉप में आपको मिलती है 52 वाट आवर की बैटरी, जो कि एक बहुत ही छोटा बैटरी साइज है एक गेमिंग लैपटॉप के लिए, बिकॉज यहाँ पे आपको नोटबुक्स और अल्ट्राबुक्स में भी 52 वाट आवर की बैटरी इजिली इंस्टॉल देखने के लिए मिल जाती है। तो एक गेमिंग लैपटॉप के लिए यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी बैटरी लगानी चाहिए थी, लेकिन ये जैसे कि एक मिड रेंज लैपटॉप है, थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग यहाँ पे आपको जरूर मिलेगी, लेकिन बैटरी लाइफ डिसेंट है, मैं नहीं कहूंगा कि बुरी है, बहुत ही डिसेंट बैटरी लाइफ है। तो गाइस, बात करते हैं इस लैपटॉप के कीबोर्ड की। तो जैसे कि मैंने अपनी अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में कहा था, इस लैपटॉप की कीज से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं, बिकॉज यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा टेक्सचर देखने के लिए मिल जाता है सबसे पहले तो कीज में, जो कि एक बहुत ही सॉफ्ट फीलिंग दे देता है इसको। और यहाँ पे आपको एक बहुत ही सॉफ्ट ट्रेवल भी देखने के लिए मिल जाता है। तो ट्रेवल की अगर बात करें, तो 1.5 mm का की ट्रेवल है इस लैपटॉप में, जो कि एक बहुत ही डिसेंट की ट्रेवल है मैं कहूंगा। और यहाँ पे कीज बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इस लैपटॉप में आपको एक बैकलाइट ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है, तो आप अगर F5 को प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो आपको डुअल लाइट बैकलाइट देखने के लिए मिल जाएगा। तो कीज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, और बहुत ही ज्यादा प्रेशर के साथ आपको एक बहुत ही अच्छी फीलिंग दे देती है। और इस कीबोर्ड के ठीक ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है इस लैपटॉप का स्पीकर, जो कि ट्यून्ड है बाय बैंग एंड ओलुफसन, तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा साउंड भी देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने अपनी अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में भी शेयर करा था आपके साथ,
आप इस लैपटॉप से ज्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस करने की एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। तो यहाँ पे आपको एक हेडफोन या फिर एक स्पीकर जरूर परचेस करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं एक अच्छी गेमिंग इस लैपटॉप के साथ। तो बहुत ही डिसेंट लैपटॉप है फॉर इट्स प्राइस, तो हर एरिया में बेस्ट तो नहीं निकल के आ सकता ये लैपटॉप, लेकिन एक बहुत ही डिसेंट, मैं कहूंगा डिसेंट से भी थोड़ा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है लैपटॉप। अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की, तो इस लैपटॉप के अंदर आपको 60Hz टू 144Hz का डिस्प्ले ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे जो वर्जन मेरे पास में वो आता है फुल एचडी डिस्प्ले और 144Hz के साथ में। तो यहाँ पे डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, स्पीकर्स में कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे ट्यून करे गए हैं बाय बैंग एंड ऑल्सन। कीबोर्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है जैसे कि मैंने बताया। परफॉर्मेंस यहाँ पे मैंने आपको बताई दिया कि क्या आपको स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिल जाते हैं, और आप अपने हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। भले आपको चाहिए i5 के साथ में या फिर AMD के किसी प्रोसेसर के साथ में, तो आप उसी हिसाब से इस लैपटॉप को कस्टमाइज करा सकते हैं। एंड देन द बेस्ट पार्ट जो कि यहाँ पे मुझे लगा वो है इस लैपटॉप का डिजाइन, जो कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है और बहुत ही ज्यादा क्लीन लगता है अगर कंपेयर करें अदर लैपटॉप से, अदर गेमिंग लैपटॉप से, जैसे कि HP Omen। यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ा बड़ा पता नहीं क्या सा देखने के लिए मिल जाता है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। और यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट सारे पोर्ट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। तो गेमिंग के लिए नहीं, भले आप किसी और काम के लिए इस लैपटॉप को ले रहे हैं जहाँ पे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लैपटॉप के साथ में अच्छी परफॉर्मेंस, तो आप इस लैपटॉप को जरूर कंसीडर कर सकते हैं। एंड फाइनली इस लैपटॉप में आपको बहुत ही ज्यादा एक अट्रैक्टिव प्राइस देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे जो वर्जन मेरे पास में है वो अराउंड 85,000 की रेंज में अवेलेबल है यहाँ पे दुबई में। इसकी स्पेसिफिकेशंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको एक बेटर नॉलेज मिल जाएगी। तो आप मुझे बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपकी क्या थिंकिंग है इसी पवेलियन 15 गेमिंग लैपटॉप के बारे में। और हैविंग सेड दैट, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप आगे भी इसी टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। एंड देन मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में।